उत्तराखंड देहरादून में वार्ड नंबर 71 की सड़क, जिसमें सड़कों में गड्ढे नहीं गड्ढों में सड़क है, यहाँ सड़क है भंडारी पार्क के जो दून मेडिकल कॉलेज से होते हुए महानिंद्रेश अस्पताल की रोड से जाकर मिलती है। क्षेत्र के सबके लगने वाले किसानों का कहना है कि इस बार इस सड़क पर एक्सीडेंट भी हुए हैं और इस बार लोगों को भी बहुत चोट लगी है। कई बार सड़क के बारे में नगर निगम व लोक निर्माण विभाग को सूचित किया, पर अब तक इस सड़क को लेकर कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहीं वार्ड नंबर 71 पार्षद महिपाल धीमान का कहना है कि हमारे माध्यम से विधायक दोबारा एस्टिमेट बनवा के सचिवालय भेज दिए हैं, पर अभी तक किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। वहीं पार्षद का कहना है कि डबल इंजन सरकार होने के बावजूद भी सरकार की खुलेआम लापरवाही नजर आ रही है। नवभारत समाचार देहरादून उत्तराखंड से अंजलि पासवान। जी, हमारी वहाँ महानिंद्रेश की का खेती हम करते हैं, वहाँ से हम सब्जियाँ लेके आते हैं और गड्ढों की वजह से हमारी सब्जियाँ वहाँ गिर जाती हैं। प्राय बच्चे भी वहाँ सामान लेने जाते हैं तो अंदाजा नहीं लगा पाते हैं, पानी भरा रहता है गड्ढों में, वहाँ गिर जाते हैं, चोटें लग जाती हैं, दिक्कतें बहुत हैं वहाँ पे। जी, हमने महिपाल धीमान जी से कहा, उन्होंने भी यही बात रखी कि आगे हमने बोल रखा है, सचिवालय से भी जियो नहीं हुआ है, इसलिए नहीं काम नहीं हो पा रहा है। आज दिन देखा जा रहा है कि पानी भरा रहता है, जल भरा हुआ रहता है, बहुत ज्यादा भरा, सड़कें टूटी हुई हैं, बहुत ज्यादा टूटी हुई है वहाँ पे, और गड्ढे भरे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि महानिंद्रेश हॉस्पिटल व दून हॉस्पिटल की जमीनें हैं वहाँ पे, उसमें आए दिन हमारे सब्जी वाले जो भाई हैं उनकी खेती होती रहती है वहाँ पे, तो आए दिन क्या है कि उसमें काफी बड़ा खेत है, जो भी लोगों के खेत है वहाँ पे, तो वो टपरी में रहते हैं, वो आते जाते हैं, तो आए दिन लोगों के चोट लगती रहती है, एक दो का तो एक्सीडेंट भी हो चुका है उसमें, उनकी पैर की हड्डी टूट चुकी है, सिर में भी चोटें आई हैं औरतों के, और आए दिन के बच्चे गिरते रहते हैं, क्योंकि वो सामान लेके, खाने का सामान लेके खेत में जो काम करते हैं उनके लिए आते रहते हैं वो, और आए दिन देखता हूँ कि इनकी सब्जी वहाँ पड़ रहती है, कि कभी इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है वहाँ पे। पार्षद जी से शिकायत की है, वहाँ पे मेयर जी भी आए थे और अपने विनोद चौहान जी जो है वो भी आए थे, क्योंकि वहीं दून मेडिकल कॉलेज पड़ता है पास में, आए दिन वहाँ पे प्रोग्राम होते रहते हैं और वो देखते रहते हैं कि जो समस्या है वहाँ की रोडों की, और उनको अवगत भी कराया गया इस बारे में, लेकिन उसकी समस्या का कोई भी निवारण नहीं हुआ।